किस तरह का मैसेज दिया गया था कार्यकर्ताओं को? नववर्ष मंगल मिलन समारोह है हमारा, देखिए वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, नववर्ष मंगल मिलन समारोह स्थान सीकरी, निवेदक पंडित एकचंद शर्मा। इससे फालतू हमारे पास कुछ है नहीं। जहाँ राजनीतिक बात आप करते हो, राजनीति में तो हम रहे हैं और आगे भी रहने की इच्छा है। पहले बसपा की टिकट पर विधायक रहे, फिर आपने बीजेपी को समर्थन किया, अभी जो पटला से विधायक हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि सत्ता तो बीजेपी की ही है, आपके उसमें कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बसपा का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कार्यकर्ता पटका पहने हुए हैं। बसपा के नहीं, वो जय भीम के, और जय भीम मेरे भी दिल में बसते हैं। क्या कांग्रेस या बसपा की भी टिकट के लिए प्रयास होगा अगर बीजेपी से? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, लगातार जो है नेता अपने को कद्दावर दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो आयोजित हो रहे हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज टेकचंद शर्मा, जो पूर्व विधायक रहे हैं पृथला क्षेत्र से फरीदाबाद की, और बसपा की टिकट पर ये विधायक रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं इनसे। विधायक जी, आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है, क्या ये भी शक्ति प्रदर्शन नहीं माना जाए? मैं नहीं मानता कि मैं शक्ति प्रदर्शन करता हूँ। ये नववर्ष का आयोजन, जो कल से नववर्ष हमारा चालू हो रहा है, उसमें मैंने शुभकामनाएं देने के लिए, सबके आगे भविष्य की एक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए सभी को अपना सादर आमंत्रित किया था। और ये एक अच्छी परिपाटी है कि अपने साथियों को साल में 6 महीने में एक आध दो बार इकट्ठा करते रहें, पहले भी हम इकट्ठे करते रहे हैं। और ये मैंने सिर्फ ना कोई साधन दिए हैं ना कुछ, फ़ोन पे ही सिर्फ मेरे साथी आए हैं। और मैं समझता हूँ कि आप देख रहे होंगे सवेरे से जो अथाह प्यार है, मैं दिल की गहराई से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। किस तरह का मैसेज दिया गया था कार्यकर्ताओं को? नववर्ष मंगल मिलन समारोह है हमारा, देखिए वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, नववर्ष मंगल मिलन समारोह स्थान सीकरी, निवेदक पंडित एकचंद शर्मा। इससे फालतू हमारे पास कुछ है नहीं। जहाँ राजनीतिक बात आप करते हो, राजनीति में तो हम रहे हैं और आगे भी रहने की इच्छा है। ये अगर जनता जनार्दन जितना प्यार देती है तो उसमें तो कोई दोरा है नहीं, चुनाव लड़ने का तो सबका मन करता ही है। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई जैसा पार्टियाँ कहती हैं, अब तक हमारे साथ में बहुत धोखे हो लिए कि भाई अब की बार सबने ये कहा कि हम सर्वे पे देंगे, सर्वे पे दें तो ये आज जनता जनार्दन आपके सामने है, इनसे पूछ लो और इलाके में सर्वे कर लो, उसके बावजूद भी अगर नहीं होगा तो फिर भी हम जनता जनार्दन का जो आदेश होगा वो मानेंगे। आप पहले बसपा की टिकट पर विधायक रहे, फिर आपने बीजेपी को समर्थन किया, अभी जो पटला से विधायक हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि सत्ता तो बीजेपी की ही है। देखिए जहाँ तक बात है मुद्दे की, मुद्दा हम सब समझते हैं कि 2500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क हमने कराए थे, हमारे क्षेत्र में 17 इंस्टीट्यूट आए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक डेवलपमेंट तो समर्थन देना तो एक बहुत बड़ी मजबूरियाँ भी होती हैं, आदमी जब तक सरकार में नहीं रहेगा जब तक विकास के कार्य नहीं हो सकते। नहीं तो जो वर्तमान विधायक है, कोई उसकी कमियां गिनाना? उसका कमियां गिनाना मैं, ये जनता जनार्दन सारी जानती है। हालात ये है कि हर आदमी ये सोचने को मजबूर है कि 5 साल हमारे, 4.25 साल हमारे बिल्कुल बेकार गए, और उनके अंदर उसका इलाज भी, आगे जवाब भी उसका 9 महीने बाद दिया जाएगा। अच्छा, आपने आपके उसमें कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बसपा का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कार्यकर्ता पटका पहने हुए हैं। बसपा के नहीं, वो जय भीम के, और जय भीम मेरे भी दिल में बसते हैं। जय भीम का मतलब उन्होंने मेरे को आज तक यहाँ तक पहुँचाया, चंडीगढ़ तक, मैं उनका कभी भी एहसान नहीं भूलता। उन लोगों ने चाहे जो कोई कुछ भी कहे, मेरे यहाँ तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। नववर्ष मिलन समारोह में शादी ब्याह में हम सभी जाते हैं, तो उसमें वो भी आते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, तो अब की बार फिर से बीजेपी के लिए ही प्रयास होगा या और भी पार्टी के लिए? मैं गौड़ साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी का प्रयास करना हमारा फर्ज भी है, करते भी हैं। बाकी अगर किसी ने हमारे कोताही की तो इनका प्रयास सबसे बड़ा होगा जो हमारे साथ ही। एक सवाल और, क्या कांग्रेस या बसपा की भी टिकट के लिए प्रयास होगा अगर बीजेपी से बात नहीं बनती? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां अभी आज नववर्ष का मंगल मिलन समारोह है, इसमें मतलब जो है ना बात आगे के लिए आगे करेंगे। क्या निर्दलीय की भी निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं? निर्दलीय नहीं, इनके दिलों से लड़ सकता हूँ। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, जो कह रहे थे कि वो सभी पार्टी से टिकट के लिए प्रयास करेंगे।
और अगर कहीं बात नहीं बनी तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।